बॉलीवुड सिंगर केके की मौत के मामले में एक नई जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि कोलकाता पुलिस के अनुसार केके ने अपने कॉन्सर्ट से पहले अपनी पत्नी ज्योति कृष्णा से कहा था कि मेरे कंधों पर दर्द है। उन्होंने 31 मई की सुबह अपने मैनेजर से भी कहा था कि आज मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। पुलिस ने आगे बताया कि केके के चेहरे पर और सर पर कुछ चोटों के निशान थे। उन्हें यह चोट तब लगी जब वह होटल पहुंचकर सोफे पर बैठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह गिर गए। इसके कारण सोफे का किनारा उनके सर और कोहनी पर लगा, जिससे उनके शरीर पर खरोंच के निशान आए थे। कमरे में केके को गिरा हुआ देखकर उनके मैनेजर ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन वह उठा नहीं सके। तो उन्होंने होटल के स्टाफ को बुलाया, जिनकी मदद से उन्हें CMRI अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि केके के होटल के कमरे से कई दवाइयां मिली हैं, जिनका केके नियमित रूप से सेवन करते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि केके के दिल के चारों तरफ एक मोटी परत थी जो सफ़ेद हो गई। उनके दिल में ब्लॉकेज भी थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।